दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और साथ में आपके लिए खुशखबरी इसमें आ चुकी है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो है चपरासी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और लगभग जो है बम्पर वैकेंसी है। ये देख लीजिए, यहाँ पे 135 वैकेंसी है लखीमपुर खीरी। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर एक बार बताइएगा जिस तरीके से आपने जो है लखनऊ में बताया है डाउनलोड करके, वैसे ही सर लखीमपुर खीरी का ही बताइए। बहुत से बच्चों कमेंट आए हैं और आप सुबह का वीडियो देख लीजिए, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि जो है, और मैंने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा स्पेशल वीडियो बना दूँ। लगभग सभी जिलों का मैं आपको दिखाऊंगा, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, लगभग सभी जिलों में भर्ती आ चुकी है और आपको केवल आवेदन करना। चपरासी भर्ती है ये, और ये कॉलेज में हो रही, एडिट कॉलेज के अंतर्गत भर्ती हो रही। जनपद आपका लखीमपुर खीरी, पद संख्या 135 है, 135 पदनाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। चतुर्थी कर्मचारियों की योग्यता केवल इंटरमीडिएट, और आपका जो केवल 18 से 40 वर्ष में एज लिमिट बताई गई है आपके लिए। सुनहरा मौका आपके लिए जो इसमें, ये सैलरी जो इसमें आपको मिलेगी वो 13,000 रुपये सैलरी अप्रोक्स सैलरी बैठेगी, पर कट कटा के आपको जो है 9,530 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगी। तो जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है डेट दे दी कि अंतिम तिथि की बात करें, 26 सितंबर जो है आवेदन की अंतिम तिथि है। ये देख सकते हैं जनपद कौन सा, लखीमपुर खीरी हो गया, और विभाग का नाम हो गया ये माध्यमिक शिक्षा विभाग, एडिट कॉलेज के अंतर्गत भर्ती आ चुकी है। सैलरी इसमें 9,530 रुपये मिलेगी और 13,000 सैलरी आपकी बैठेगी, कट कट आ गया इसमें। लखनऊ हो गया, मैंने आपको बोला लगभग आपको जो है पहले आपको दिखा दूँ, इसके बाद आपको डिटेल बताऊँगा, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करना, अगर भाई स्किप करेंगे तो आपकी गलती है, ठीक है। बाद में कमेंट करने की जरूरत नहीं, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे सर आपने कुछ नहीं बताया, ये फलाना ढिंगा, कुछ नहीं करना, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका लखीमपुर खीरी हो गया और लखनऊ हो गया, ये साथ में जो है यहाँ पर देख सकते हैं लखीमपुर खीरी के ठीक नीचे हरदोई, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है हरदोई में बम्पर भर्ती आ चुकी है। आवेदन तिथि की बात करें 26 सितंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है। ये लखीमपुर खीरी हो गया, ये आपका हरदोई हो गया, ये देख सकते हैं हरदोई जिला जो है ये, वहीं पर जो है ये उन्नाव से बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर उन्नाव से भर्ती नहीं आई। ये देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 4th की भर्ती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती है ये, है ना। अभी मैंने आपको बोला स्किप करने की जरूरत नहीं, वीडियो बाद में कमेंट करा तो आप देख लेना फिर ये, इसलिए जो है उन्नाव जिले से भर्ती इसमें आ चुकी है ये। ये देख सकते हैं यहाँ पे हरदोई से हो गया, आपका हरदोई भी हो गया, उन्नाव हो गया, आपका लखीमपुर खीरी हो गया, साथ में लखनऊ हो गया, अलीगढ़ हो गया, और नीचे देख लीजिए यहाँ पर रायबरेली से। इसका मैं डिटेल बताऊँगा कितनी कितनी वैकेंसी है, हरदोई में कितनी है, लखनऊ में कितनी है, आपके अलीगढ़ में कितनी है, उन्नाव में कितनी वैकेंसी है, कैसे कैसे फॉर्म भरना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर जो जनपद रायबरेली विभाग का नाम है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है क्लास 4th की वैकेंसी आ चुकी है, 26 सितंबर आवेदन तिथि है ये। तो हम जो सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, ठीक है, और लखनऊ की मैंने अपनी ओल्ड वीडियो में देख लिया, ओल्ड वीडियो में आप देख लीजिए, मैं लखनऊ के बारे में बता चुका हूँ, 26 सितंबर के दिन इसका लास्ट डेट ही है ये। साथ में जो कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं यहाँ पे 135 यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती है ये, और जो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है और 135 वैकेंसी आई है, 10th और 12th वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं ये, कंपनी का नाम ये है, कंपनी द्वारा भर्ती हो रही है। वहीं पर जो जिले का नाम देखेंगे तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जिला आपका लखीमपुर खीरी है, 18 से 40 वर्ष में एज लिमिट है, SC वालों को 5 साल की छूट और OBC वालों को 3 साल की छूट जो नियमानुसार मिलती है वो मिलेगी, वेतन आपको जो 9,530 रुपये मिलेगा। और इसमें आवेदन कैसे करना, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, वहीं से जाके नीचे जाके इसमें आवेदन वाले पर क्लिक करना है और आवेदन कर देना। ये देख लीजिए लखीमपुर खीरी है, पूरा ब्यौरा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो है यहाँ पर लिखा हुआ रिक्तियों का विवरण और आवेदन करें। आप देख लीजिए, आप बात करेंगे हरदोई के बारे में, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से हरदोई में वैकेंसी आ चुकी है क्लास 4th की, एडेड इंटर कॉलेज होते हैं आपके यहाँ भी होंगे, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल होंगे, वहाँ पर भर्ती निकली है ये। साथ में जो हरदोई में जो वैकेंसी आई वो 196 पदों पर आई है ये, साथ में जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती क्लास 4th की, पदनाम देख सकते हैं 4th क्लास में कौन कौन जो चपरासी है, आपका चौकीदार है, सफाई कर्मचारी, ये सब उसमें आते हैं, कंपनी का नाम दे रखा, कंपनी द्वारा भर्ती होगी 196 पदों पर जो है ये। और जो है ये उत्तर प्रदेश में जो हरदोई जनपद का नाम क्या है इसमें, हरदोई, और यहाँ करें आवेदन, यहाँ पे क्लिक करना आपको आवेदन वाले पे, जब टिक करेंगे वैसे आपको भर जाएगा, और यहाँ से ये जो है पूरा वैकेंसी के बारे में विवरण डाउनलोड कर सकते हैं ये, और मैंने वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया, जनपद हरदोई है, पद संख्या 196 है, पदनाम आपका एक कुशल चतुर्थी कर्मचारी भर्ती है ये, योग्यता आपका इंटरमीडिएट है, एज लिमिट की बात करें 18 से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट बताई गई है। और जो है यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे, सैलरी इसमें 9,530 रुपये कुल सैलरी आपकी इसमें जो है 13,000 रुपये बैठेगी, 13,072 रुपये इसमें सैलरी आपकी बैठेगी। वहीं पर बात करेंगे इसमें उन्नाव जिले की, उन्नाव जिले में क्या है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती आ चुकी है, उन्नाव जिले में क्लास 4th की भर्ती है,
आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 26 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, बहुत दिन अभी तो यही है जो है। साथ में जो उन्नाव के साथ साथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये, और यहाँ पर रायबरेली, रायबरेली से भर्ती आ चुकी है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण और आवेदन करें, यहाँ क्लिक कर सकते हैं आवेदन आपको सबमिट हो जाएगा। 167 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है ये उन्नाव जिले से जो है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम क्या, क्लास 4 माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती है ये, और ये भर दीजिएगा फॉर्म ये, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एज लिमिट की सबका सेम रहता है, सब कुछ सेम है, पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक सैनिक खिलाड़ी सही पदों पर भर्ती आई 18-40 वर्ष, इसमें एज लिमिट बताई गई है, उन्नाव जिले से भर्ती आई है। साथ में जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो बताइए आवेदन यहाँ पे करें, आवेदन यहाँ से कर सकते हैं ये जो है, इसमें आपको केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की PDF बना के सेंड कर देनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने वो डाउनलोड कर लिया, उन्नाव जिला हो गया, पद संख्या कितनी 167 हो गया, पदनाम आप एक्चुअल आपको चतुर्थी कर्मचारी हो गया, साथ में योग्यता इंटरमीडिएट 18-40 वर्ष, इसमें एज लिमिट बताई गई है। साथ में जो है 13,000 रुपये इसमें सैलरी आपको मिलेगी, इसमें अक्कर कटा के आपको 9,530 रुपये सैलरी मिलेगी, पूरी सैलरी आपकी 13,000 रुपये बैठेगी इसमें, इंटर कॉलेज में एडिड इंटर कॉलेज जो होते हैं सहायता प्राप्त स्कूल जो होते हैं उसमें भर्ती निकाली गई है। साथ में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ, लखनऊ से भर्ती मैंने आपको बताई दिया 26 तारीख का ये जो है, और लखनऊ से भर्ती आ चुकी है ये, 196 पदों पर भर्ती आई है लखनऊ के अंक के अंतर्गत, 26 तारीख इसमें अंतिम तिथि है ये। वहीं पर जिले का नाम देखेंगे, जनपद का नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भर्ती आ चुकी है ये। लखनऊ की बात करेंगे यहाँ पे जो है इसमें बालक के 116 पद हैं, इसमें बालक के 80 पद हैं ये देख सकते हैं ये। साथ में जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत आपने देखा होगा, इंटर के अंतर्गत भर्ती आई है ये, बाबू की भर्ती निकाली गई इंटर कॉलेज के अंतर्गत ये, पर ये अभी उत्तर प्रदेश में बाबू की भर्ती आई नहीं, पर बहुत जल्द जो है इसी महीने के लास्ट में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी ये, आपको जो है बिहार आप कर्मचारी चयन आयोग है ना वहाँ से भर्ती निकाली गई लिपिक की, वहाँ से फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिपिक की जो है ये भर्ती अच्छी भर्ती है ये। बात करेंगे इसमें ऑर्डर की, ऑर्डर में बीएड और PPTC का ऑर्डर, इसमें जो है इसमें सुनवाई चल रही थी, यहाँ पे जो है तानिया पांडे जी की तरफ से इसमें रिक्वेस्ट डाली गई थी यहाँ पे जो है, तो इसमें बढ़ा दिया गया, अब यहाँ पे क्या इसमें डेट थी जो है रिफ्रेश करने के बाद इसको 6 अक्टूबर डेट लगा दी गई है, अगली सुनवाई इसमें जो है ये 6 अक्टूबर को होगी। यहाँ पर रिट नंबर देख सकते हैं, ये जो पूरा रिट नंबर मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया, ठीक है ये। और KB के रिजल्ट के लिए यहाँ पर बोला गया, उसको अभी जो है रिजल्ट को रोक दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये के रिजल्ट को जो है रोक दिया गया है, ये बोला गया कि जब तक ये BEd का फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है KB का, और साथ में जो इन्होंने जो है बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी का रिजल्ट की BEd वालों को बाहर कर दिया गया इसलिए, ठीक है। तो ये आपका रिट नंबर यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो और बाबू भर्ती आपके आने वाली है, तो बाबू भर्ती टेंशन की कोई बात नहीं है, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले मिल जाएगी चैनल, और जो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। एक हमारे सब्सक्राइबर हमेशा कमेंट करते रहे, सर आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट करते हैं, मैं कमेंट ज़्यादातर पढ़ता हूँ पर मैं कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर कमेंट जरूर पढ़ता हूँ आपके जितने भी जो है ये, और यहाँ पर भी जो है ये कमेंट किया हुआ है कि सर आप जानकारी सही देते हैं, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।